मैं जब बात कर रहा हूँ बीच में दखल मत दीजिए। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। वही पेडोफाइल। आपको माफी मांगना चाहिए, आपका सवाल गलत है। एक अमूमी तासुर भी उभरा है, या पता नहीं कुछ क्लिप्स इस तरह से दिखाई गई है कि शायद आपको सवाल लागवार गुजरे तो आप थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं, ये ऐसा है या दाई को कभी भी लोग कहते मैंगरी होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी जब पता है कि बड़ा मजमा है और उस मजमे में वक्त जाया कर रहा है तो हमें सख्त आना चाहिए, क्योंकि वो उसूल को तोड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आदमी बहस कर रहा है, उसूल क्या सवाल जवाब का, कि सवाल पूछो दो तीन मुख्तसर, वो बीच में बहस कर रहा है, क्या करना चाहिए? तो इस टाइम तो इतना बड़ा मजमा है, मजमा लाख का, करोड़ लोग देखे टेलीविजन पे और वो बहस कर रहा है, तो सख्ती से पेश आना चाहिए। मैं जब बात कर रहा हूँ बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। आप लोगों को अल्लाह की तरफ बोलो हिकमत और हुस्नत के साथ। तो लोग क्या समझते हैं हिकमत हमेशा सॉफ्ट होता है, अक्सर हिकमत सॉफ्ट होता है, हमेशा नहीं। अगर आप तशरी देखेंगे उसकी, दो तीन आयत पहले जब रुकू शुरू होती, अल्लाह ताला फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम में एक अच्छा एग्जांपल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत को तोड़ा। मैंने बुत को तोड़ा, उसका हिकमत क्या थी बुत को तोड़ना? हिकमत वो होती है जो उस वक्त के लिए सबसे बेहतरीन क्या है, इस्लाम को पैगाम पहुंचाने। तो क्योंकि एक्सपीरियंस है, बाकी लोग जो देख रहे हो दावती मैदान में स्पेशलिस्ट नहीं है। कुरान कहता है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 143 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। फिर मैं एक्सपर्ट ने, अरे वो खातून को ऐसा कर दिया, आखिर मैंने वो बच्चों को ऐसा कर दिया, वो एक्सपर्ट ने ना। हमारा मकसद क्या है, दिल में उतरना चाहिए, और लाखों का मजमा है, करोड़ों का मजमा है। तो ये उसूल है कि हिकमत अक्सर सॉफ्ट होता है, हमेशा सॉफ्ट नहीं होता। तो आपकी बात से थोड़ा सा लोगों ने कुछ तासुर गलत लिया, वो खातून के साथ एंकर के साथ, जब आपने कहा कि भाई खातून एंकर सामने बैठी हो 20 मिनट बैठी रहे मेकअप लगा के, तो हलचल औरत को देखते हो मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। उसको गलत तासुर मिली है, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ ताकि वो खातून ने आपसे सवाल किया ना कि भाई किस तरह गैर महरम के सामने, आपने कहा जो टीवी पे कोई खातून आ जाए और वो मेकअप उसने किया हो तो मुमकिन नहीं कि 20 मिनट आप उसको देखते रहे और आपके हलचल ना हो कहीं और आपको अपना इलाज करवाए, तो उसको लोगों ने डॉक्टर मैं डॉक्टर हूँ ना। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप खातून को देखे और आपके दिमाग में हलचल हो तो कुछ प्रॉब्लम है। अल्लाह ने बनाया इस तरीके से इंसान, इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं नजर नीचे करो, अगर हलचल नहीं होगी तो अल्लाह गलत नौज बिल्ला। कुरान की आयतें सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में मर्द को कहो कि अगर कोई खातून को देखे गलत ख्याल है तो नजर नीचे, कुरान की आयत है कि आपके अल्लाह से बड़े, तो अल्लाह की कुरान की आयतें नजर नीचे करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह बोलता है नजर नीचे करो, आपको घूर के देखने का 20 मिनट के लिए, आप समझे ना। तो ये लोग कुरान को जानते नहीं, ये जो लोग एतराज कर रहे हैं कुरान को जानते नहीं, अल्लाह के अहकाम को जानते नहीं, आप समझे ना। तो जो लोग नहीं जानते, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान में मिसाइल भी हैं, थोड़ा सा ऐसा लगा कि जिस तरह से लोगों ने सवाल पूछे, जिस तरह एक खातून ने पूछा कि वहां पर मर्द मर्द के साथ करते हैं ये मिसाइल है, तो कुछ बेल्ट में हमारी ये प्रॉब्लम है कहीं पे। मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पेडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पेडोफाइल। बहन, अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। शायद ऐसा लगा कि जैसे शायद बहुत ज्यादा रश था, लोगों ने सवाल बहुत ज्यादा पूछे, या उस कल्चर से आपकी आगाही थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कम हो, शायद इस वजह से क्या आपने कहा कि इस्लामी माशरा हो तो मुमकिन ही नहीं है कि ये काम हो। नहीं, वो खातून ने पूछा हमारा हमारे जो सोसाइटी बहुत इस्लामिक है। हाँ जी बहुत इस्लामिक है और बहुत कुरान फॉलो करते और फिर पेडोफिलिया करते, दोनों टकराव है ना। एक आदमी बहुत ईमानदार है
ईमानदार आदमी और चीटिंग कर, हो सकता है, हो सकता है ये। तो मैंने कहा आपके आपके क्वेश्चन में कुछ तो खता है, तो लोग को सुनते ही नहीं। हो सकता है कि एक आदमी बहुत ईमानदार है और वो चीटिंग करता है, हो सकता है, मुमकिन नहीं, दोनों में टकराव। तो मैं बोला आप बोलते ये अगर वो कहती थी हमारे माशरे में लोग समझते हैं कि हम इस्लामिक है लेकिन गलत काम करते हैं, तो सवाल सही है। तो मैंने कहा कि मैं तो आप बोल रहे कि हमारा माशरा बहुत इस्लामिक है, बहुत परहेजगार है, कुरान पे चलता है और पीडोफिलिया करता है, तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने खातून से कहा मैं तो मुसाफिर हूं, ये मुमकिन ही नहीं ना। तो लोग सवाल को सुनते ही नहीं, तो उससे पूछना चाहिए जो इस फन का माहिर है, सवाल जो हमारा है। तो मैंने कहा कि सवाल में इधर पहला सवाल, पहला पार्ट गलत है सवाल के, दूसरा पार्ट या वो इंसान ईमानदार नहीं है और चीटिंग कर रहा है, सही, या ईमानदार और चीटिंग नहीं कर रहा, सिंपल था। उसके बाद दूसरे किसने सवाल किया तो उसका जवाब दे दिया मैंने। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमें मुसलमानों को जहाद का हुक्म है, इस वक्त पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको किसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए? जिहाद की सही मानी है कि जिद्दोजहद के, इसके ऊपर लेक्चर दिया, सबसे जिहाद है जिहाद फी नफ्स, अपने नफ्स के साथ जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद। आप जो बात कर रहे हो किताल की, वो एक टाइप है जिहाद का, लोग को गलत फहमी है। तो जिहाद मतलब नहीं क्या आप हमेशा वॉर के लिए जाओ खतर करो, एक टाइप ऑफ जिहाद को किताल कह रहे, पहले अपने जिहाद के लिए नफ करो, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो, और जो कुरान के अंदर जो अल्लाह ताला के अहकाम है उस पर अमल करो, वो सबसे बड़ा जिहाद है। तो इसके बाद आप वो कह रहे हैं जहाद किताल वाला जो है उसका स्टेप आगे है जाके, अभी उसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा तो जरूरत है क्या नहीं, उसके उसूलात है, वो पूरा लेक्चर है उसके ऊपर, आपने लेक्चर देखिए जिहाद एंड टेररिज्म एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव, जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंजर में, पूरा लेक्चर है।